हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन घंटे को भी दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, मैं आपके सामने ये दिख रही होगी दो क्रीमों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, कौन सी बेस्ट क्रीम है, कौन किसके साइड इफेक्ट हैं, किस क्रीम के साइड इफेक्ट नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने था डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप स्मार्ट वे क्रीम है और आप क्लीन स्किन क्रीम है, ये दोनों क्रीम है, उसके बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस नहीं कीजिए और अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्लीन स्किन ये इसका क्या साइड इफेक्ट है, कौन से साइड इफेक्ट नहीं है, किस क्रीम पे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों, इस क्रीम को आप यूज़ करते हो डे में तो इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट है, नाइट में इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको गोरापन के लिए यूज़ कर रहे हो तो साइड इफेक्ट ज़रूर है दोस्तों। केवल आपको यह कि हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर इतना गोरापन दे देगी, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही गोरापन देते हैं। लेकिन उसके बाद में इसका साइड इफेक्ट बहुत लोगों से मिला है। तो दोस्तों, इस स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्लीन स्किन क्रीम है, ये हाइड्रोक्विनोन ट्रिटोनोन मिनरलाइजेशन ये फर्स्ट क्रीम है, जो कि हाइड्रोक्विनोन ट्रिटोनोन है, ये आपकी स्किन को है बहुत ही कोमल मुलायम बना देता है और सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो आपको बहुत ही स्किन पर नुकसान पहुँचाती है। तो दोस्तों, इसका यूज़ किस तरह से करना है, आपको कील मुहासे डार्क स्पॉट्स हैं उस पर आप यूज़ कर रहे हो तो एक मंथ या 2 सप्ताह आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में यूज़ मत कीजिए। अगर यूज़ कर रहे हो आपकी स्किन पे जो है झुर्रियाँ और बढ़ रही हैं, जो स्किन है वो लाल हो रही है, तो दोस्तों आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके जो साइड इफ़ेक्ट है इसका बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है इस क्रीम का। तो आप इसको यूज मत कीजिए बिल्कुल भी डे में, तो नाइट में यूज़ कर रहे हो तो नाइट में ज़रूर कीजिए इसका यूज़ किस तरह से करना है वो भी मैं इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं, और इसी में भी मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों, एक फेस वाश, अच्छी फेस वाश से आपको स्किन को साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद में दोस्तों आपको गुलाब जल का जो यूज़ करना है वो यूज़ करने के बाद में दोस्तों सूती या हल्के हाथों से आपकी स्किन को जो साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद में इस क्रीम का आपको यूज़ करना है, मैं दिखा देता हूँ कि अंदर से किस तरह से पैकिंग होती है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, 15 ग्राम की ये ट्यूब है, आसानी से मेडिकल स्टोर पे आपको 125 रुपये में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, वहाँ से जाकर ऑनलाइन आपको मंगवा सकते हैं घर पर, ठीक है दोस्तों। और भी अगर मंगवाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। इस तरह से आपको प्रोडक्ट को घर मंगवा सकते हो आप पेमेंट करके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीयर पैकिंग आती है, इस तरह से आपको बारीक क्रीम का ये लेना, क्रीम लेनी है, उसके बाद में सिर्फ एक बार ही आपको स्किन पर लगाना है। लगाने के बाद में दोस्तों आपको लगभग 30 मिनट तक आपके स्किन पर लगे रहने दीजिए। लगे रहने के बाद में आपको जो गुनगुने ठंडे पानी से आपकी स्किन को साफ कीजिए। आपको फेस वाश का उस वक्त फेस वाश का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गुलाब जल का यूज़ कीजिए और डे में अच्छी सी जो सनस्क्रीन है उसका यूज़ कीजिए। उसके बाद में इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू दे दिया, तो आप देख सकते हैं आप स्मार्ट वे क्रीम फेयरनेस क्रीम है, इसी के भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, और इसकी फेस वाश है वो बहुत ही बेस्ट फेस वाश आती है, तो इसकी भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो आप मंगवा सकते हैं फेस वाश और ये फेयरनेस क्रीम। दोस्तों, इस क्रीम से बहुत ही बेस्ट ये फेयरनेस क्रीम है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डे में यूज़ कीजिए, नाइट में यूज़ कीजिए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केवल सिर्फ महिलाओं के लिए है स्मार्ट वे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फेयरनेस क्रीम फॉर वुमेन, सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। इस क्रीम का दावा है कि
छः से 7 दिन के अंदर इतना गोरापन दे देगी जो आप देख भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ये गोरापन देती है। किस तरह से ये गोरापन देती है आप देख सकते हैं, इंस्टेंट ग्लो, यहाँ तुरंत ये निखार आती है आपकी स्किन के ऊपर। दोस्तों इसकी फेस वाश ही बहुत ही बेस्ट फेस वाश आती है। इसकी फेस वाश जो चाहे महिला यूज़ कीजिए या ये लड़के, इसका फेस वाश ये कि महिला के लिए भी अलग आती है और लड़कों के लिए भी अलग आती है, लेकिन फेस वाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फेयरनेस ये क्रीम है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये फेयरनेस क्रीम है, लड़कों की भी फेयरनेस ये क्रीम आती है। स्मार्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में बता दूंगा, इसकी भी फेयरनेस बॉयज़ के लिए। तो दोस्तों अंदर से मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसकी पैकिंग देख सकते हैं आप, और आपको लगभग 110 रुपये में आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। और इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दी है, वहाँ से भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। और ये लगभग आपको कितने ग्राम की ट्यूब आती है मैं बता देता हूँ, 50 ग्राम की ये ट्यूब आती है। ठीक है, ये क्रीम फेयरनेस क्रीम है, ब्यूटी क्रीम की तरह ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से पैकिंग आती है, और इसकी जो सुगंध है बहुत बेस्ट आती है। और आप देख सकते हैं क्रीम कलर की ट्यूब है, ठीक है, क्रीम कलर की ये क्रीम है। तो दोस्तों मेरी राय यही है कि इस क्रीम का आप यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। 2 या 1 या 2 सप्ताह अगर आपके कील मुहासे डार्क स्पॉट्स हैं, काले हैं, जो छाया है, जला हुआ निशान है, उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अधिकतम 2 सप्ताह। उसके बाद में इसका किस तरह से आपको ये क्रीम को छोड़ना है, लगाना धीरे धीरे कम करना है, तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा किस तरह से, तो लंबी हो जाएगी इस वीडियो में बताऊंगा तो एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। दोस्तों मुझे नहीं पता चल रहा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। कोई भी दिक्कत हो रही है स्किन के बारे में, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो कॉमेंट में लिखोगे तभी तो पता चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।